तो गाइस आपके पास फिर से स्वागत है पोकेमॉन इंडिगो लीग में। हाँ, और मैं हूँ अभी फ्यूचर सिटी के पोकेमॉन सेंटर के सामने, क्योंकि हमें मिस्टी ने यहाँ आने को कहा था। तो अब हम अंदर चलते हैं और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हम फ्यूचर सिटी पहुंच गए थे, और हाँ अब हमारा मिशन है ब्रॉक को हराना। थेरी और जेनी कितनी बहन है, बहन वो भी सारी जुड़वा। देखो नर्जो भी नाच रही। तो आज के एपिसोड में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ड्रॉप पर आधे अगर ड्रॉप इस गेम में है तो सॉरी यार, मैं पिछले एपिसोड में भी बदलना भूल गया था। बढ़िया, अब मैंने बदल दिया, मुझे याद भी नहीं था। सही में झूठ बोलूं, मुझे याद नहीं था। अब पोस्ट को दे कैसे जाए बताइए आप लोग, तुम्हें जानो यार, मुझे रास्ता पता नहीं। चैलेंज करते हैं, और ब्रॉक में आ गया, मैं आ रहा ब्रॉक में आ रहा, देखा पहुंच गया सीधे ब्रॉक। आ जा अबे, आ जाने लड़, अच्छे लड़। तो इसके बाद अपन जाएंगे विरिडियन। समझ गए मैं नहीं समझा, कुछ पता नहीं क्या बोला, बट मुझे तो लड़ाई से मतलब है ऐसे समय भी कुछ नहीं। चाहे चूज ये भी तो रहेगा भाई, मैं क्या करूँ, तुम ही कर लो सब, मैं क्या करूँगा। ठीक है ठीक, अच्छा कि हम जीत ना जाए इसलिए लोगों ने कुछ भी कर दिया। मैं कहना मुझे हराना भी इसको चीज से यूज होगा काम को। अब मुझे फ्रेंड मिलेगा, आज के मैं भाग लूंगा। अबे कुछ ट्रेनिंग करवाएगा जिससे पिकाचू को जल्द ताकतवर हो जाएगा और जियो दूर को घूम डालेगा। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं बताना चाहिए, पर ओके ओके लॉकडाउन।
ओके, जो भी मैंने अभी बोला प्लीज उसे इग्नोर करना, मैं कुछ और बोल रहा था। ओके तो भाई मुझे यहाँ से जाना है। और हाँ वैसे बता दूं मैं इस गेम में एश लॉक खेल रहा हूँ। और जिन्हें नहीं पता लॉक क्या होता है मैं उन्हें बता दूं, वैसे मैं इसी बारे में बता नहीं सोच रहा था पूरा, बट मैंने सोचा बाद में बता देता हूँ, छोड़ अभी बता देता हूँ। भाई लॉक बेसिकली पोकेमोन गेम्स के लिए मतलब एक होता है यू कैन से एडिशनल रूल्स, मतलब थोड़ा एडिशनल रूल डाल के हम उसे लॉक कर देते हैं। लाइक नज़लॉक, एक होता है नज़लॉक, उसके अंदर भाई थोड़े बहुत तीन रूल्स होते हैं। फिर एक होता है वैक्स लॉक, उसमें थोड़ा ही रूल बढ़ जाते हैं। और फिर होता है पता नहीं क्या क्या लॉक होते हैं, एग लॉक, वैग लॉक, स्लीप लॉक, बहुत अजीब अजीब लॉक होते हैं। मैं तो एश लॉक के तो सिंपल सी बात है तो तुम्हें देख के भी पता चले। भाई मुझे लगा नहीं था कितनी हद तक क्रॉस कर देंगे ये। तो अकॉर्डिंग टू देम म्यूजिक अच्छा था, मैंने दोबारा किया। तो गाइस अकॉर्डिंग टू देम यू आर रेडी, बट अकॉर्डिंग टू आई डोंट नो लेवल बढ़ा दिए, चलो कौन लेवल चेक करेंगे। लेवल उतनी है उन्होंने क्या करें, काश मुझे लड़ने दे ब्रॉक से। तो अच्छा होगा ना मुझे लड़ने देंगे तो, नहीं तो सीरियस हमें इसी से लड़वाना है क्योंकि सिनो वाला ब्लॉक है, ब्रॉक है नहीं सिनो का यार। क्या इससे मेरा अटैक बढ़ा नहीं बढ़ा होगा तो मैं इनको छोड़ू मनी कसम से बता रहा। अरे वाह लूज लूजर्स बिगेस्ट लूजर्स इन द वर्ल्ड रेडी हो पिकाचू हीलिंग दे बट ये ग्राउंड टाइप का नहीं है, रॉक पे तो अफेक्टिव कम होता है, इफेक्ट तो करता है ग्राउंड पे, नॉट अ वेरी इफेक्टिव का नॉट इफेक्ट। ये ग्राउंड टाइप का ना जो रूल नहीं है रॉक टाइप का जो रूल, तो टाइमिंग का सिस्टम जब एनिमे का पूरा सीन दिखा दिया तुमने अबे नलाय को थोड़ा सोर कर लेते मेरे पे है या जो थंडर बोल्ट भी काम करने देते। और ये हमारी जीतने का वो था थोड़ी साउंड और हम जीत गए हैं। 3 and a 2 and a 1 ये जीत गए। भाई थैंक यू फॉर लेवलिंग अप पिकाचू, मैं तो क्या ही कर दूंगा मैं लेवल अप करके, इस गेम का कभी अपडेट भी नहीं आया ये यही तक है भाई गेम। If you have anything कि अब ये कंटिन्यू होगी तो बता दूँ ये गेम ही यही तक है, मैं तो फिर भी सह लेता है इसको। अच्छा अभी गेम है ही यहाँ तक तो मैं क्या करूँ, चल बैठ तू सो जाता है तुमने मान लिया पहले सो गया, मैं तेरे को पॉइजन भी कर दूंगा प्लस वो कब तो होगा नहीं तू पॉइजन कर देता हूँ तेरे को। ओके क्योंकि ऑलरेडी अच्छी भाई की ये लो चुकी थी, मैं नहीं भी गलती कर ली माफ कर दो भाई माफ कर दो भाई, देख रहे हो अबे वो मारी दिया क्या, मुझे नहीं लगा अपन जीत पाएंगे, मुझे नहीं लगा अपन जीत रहे। तो मैं छोटा सा हैक कर सकता हैक मतलब एक छोटी सी चीज ट्राई कर सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता इससे पिकाचू को कोई हरा नहीं है भाई, सुपर इफेक्टिव मूव है भाई। हाउ इज इट इवन पॉसिबल यार। तो ये देखिए रख के तुम लेफ्ट ओवर्स तुम चाह रहे लेटर की प्लीज यार, तुझे अटैक करना जरूरी है क्या,
तो मैंने इसका एक बार डिफेंस कम कर दिया है। तो अगर अब मैं इसको मारूंगा तो बहुत ही कम पर चांसेस है कि इसकी बहुत ज्यादा एचपी जाए, क्रिटिकल हिट हुआ तो इसकी एचपी काफी लो आने के चांसेस है, मे बी कुछ यहाँ तक। पर भाई हमें कुछ नहीं पता भगवान पे। और वैसे भी यार आईब्रोक को आके इस गेम को मार के बाय बाय करना ही पड़ेगा। बहुत मजा आया यार, इससे खेलने ज्यादा मजा आएगा वो खेलने में क्या कहते हैं यार भूल गया। पोकेमोन फायर रेड, यस दैट इज मोर ऑसम देन दिस वन। इसके ग्राफिक फायर रेड वाले हैं, बाकी वो गेम अच्छे हैं। उसमें भी मैं यही लेआउट यूज करूंगा, बता दूं आप लोगों को। मुझे भी देता हूँ कहता है उधर से जाना है, मैं लिटरली भूल जाता हूँ उधर से जाना है। तो यार आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अभी ब्लॉक पर आने में थोड़ी मेहनत लगेगी। मुझे उधर कंफ्यूजन ना मचे फोन डाल या फिर एक बार स्लीप कर देता हूँ। हाँ क्या एक बार स्लीप कर दूंगा फिर कंफ्यूजन कितने पैसे मार ले गया है। तो जब तक इसको आराम ना नहीं तो वो नहीं सीनो वाला प्रो ये अच्छा कर रहा है इन्होंने, मैंने नोटिस नहीं किया था पहले, अच्छा अच्छा इंटरव्यू हुआ है। तो बटरफ्ली नहीं हराया था, इस बार भी बटरफ्ली हराएगी। बटरफ्ली कंफ्यूजन, ये मर गया ये मतलब मर जाएगा। He will be dead in 1, 2, 3. Okay. I am on first sleep out of once, then straight away for confusion. Yes. Am I right? No, this is not fair. एक गलत है ये, एक बहुत गलत है इसमें। अबे एक HP तो छोड़ दे मेरे भाई। मैं नहीं यार। गलत कर रहा है ये तो पता है इसका कुछ उखाड़ नहीं रहा है काचू। तो चलो सीधे सीधे टेल विट मारता रहता हूँ जितने मार पाऊंगा मार लूंगा। कर्स, ओ यस आई लव दिस, थैंक्स फॉर द कर्स गॉड। कर्स ऐसा तो कुछ नहीं करता है। एंड दिस इज माय चांस। एक बार गया मैंने इसका, दो बार तो घटा हुआ, दो तीन बार और घटा पाया ना मैं अपने लक से। सच है मैं तो मुझसे कुछ बचा नहीं पाया और मेरा लक ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ बटरफ्ली इसको हरा तो सकती है, ये तो नहीं हरा सकता तो मैं गारंटी देता हूँ। तो मैं रिवाइव यूज करने वाला हूँ इस बारी में। I'm gonna use revive on my butterfly.
Hey, why is it hang? खत्म बच के तो उसे पोषण दे दूंगा बच के पोषण देना चाहिए फिर यहाँ से भी हाँ एक ही टाइप में जाते हूँ वैसे नहीं यार मैं कीबोर्ड काम करना बंद कर दिया क्या ठीक है टैक डिफेंस कंपनी में लगे कितने लोग तो आया उसका और भाई अभी मेरे पास एक और अटैक है ले एक और पोकी मारना ये यूरो बटरफ्ली इससे तेज होगी तो अपन बच जाएंगे बटरफ्ली है तो भी फास्टर वो पत्थर का बना है वो तेज से तेज है शर्म कर यस यस कंफ्यूजन अब कंफ्यूजन करेंगे इसमें Now I will confuse him. He's fast asleep. ये क्या करा? हो गया इससे से. भाई सो रहा है बच गए बे. इतना golden chance मिस कर दिया मेरे keyboard के वजह से मैंने. पक्का. मरी. Confusion कितना हुआ? वो भाई. नहीं वो कप नहीं. अबे यार shit. बच्चा बच रहा है. यार बहुत गलत है हमारे साथ और यार आज के एपिसोड का टाइम भी खत्म हो गया यार क्या करूँ मैं लंबा कर दूंगा पर यार ऐसे नहीं आ रहा मैं कुछ सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ कि ब्रो वहाँ पे हार जाए What can we do यार लेकिन जितनी अच्छी एडवांटेज है Maybe poison. Poison try करे. Try कर सकते हैं कुछ का तुमने कर सकता पर. ऐसे जो अपने से एक एटर भी हो रहा है उसको train करके ये बना दो. दो बटर भी हो जाएगी फिर अपने पास. Maybe हमें पोकेन की quantity बढ़ा देनी चाहिए. Quality से तो अपन नहीं जीतेंगे ना. तो गाइस क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता चला ओके याओ आला बाबा Are you serious? यार ये फिर आ गया गंदा सा इसको हटा दो तो भी जीत जाऊँ मैं शायद इससे कुछ भी नहीं करता ना बेचारा ओ क्या 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 करा इसने क्रैश किया मेरे साथ से ओके हाँ मे बी दिस वुड वर्क ओके नाउ हियर कम्स द रियल प्रॉब्लम ऑनिक्स मैं फिर से उसी स्ट्रेटजी के लिए जाऊंगा ओ भाई ये तो मुझे ओ कर दिया उसने एक्साइट अब हमारे पास या तो एक ही चांस है या दो चांस है कुछ नहीं पता एक तो है मैं भी हमसे फास्ट है दिस इज नॉट फेयर यार अभी से फुल रिस्टोर यूज कर रहा है वो नॉट इवन फेयर भाई मरियो मत प्लीज बटरफ्ली प्लीज अब थोड़ी ना बचनी थी
प्लीज मत मरती, काश ना मरती। फाइनली बहुत देर बाद, कम से कम 5 ही ट्राइज के बाद फाइनली हमने उत्तर आ दिया है। और हाँ, इसी साथ हमारा ये गेम कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं, पर इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं जोड़ सकता, पर लेकिन मैंने तुम्हें कहा था मैच की जर्नी करेंगे, जरूर करेंगे पूरी। कार्लोस तक है उसमें, एक बार की गारंटी दे सकता हूँ। अलोला का मुझे लिटरली नहीं पता, पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। वो हम खेलेंगे फायर एशर, मैं इसको नहीं सहन कर सकता, बहुत ज़्यादा हैंग और बहुत ज़्यादा बेकार है ये। फायर एश इज वे 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 बेटर देन दिस। और उसके रूल्स में तुम्हें उसकी पहली वीडियो, यानी कि उसकी पहली वीडियो कब आई जब मैं ये सोच रहा कब लाओ, हाँ परसों ही लाता फिर इसी के जैसे ही होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, समझ गए? अच्छे दोस्त की तरह जरूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओए एक सेकंड, ये स्टोरी कंप्लीट करके मिलेंगे। वाओ ओए अब लिखा आएगा रॉक जॉइन योर जर्नी। But this is the end of our journey. So guys, thanks for watching this series. ये series में यही end करने वाला हूँ पक्का। अब ये भूल जाओ कि इंडिगो लिख गुस्सा, literally भूल जाओ। और video को like करने मत भूलना please, please कर देना यार। तो मिलते हैं अगले episode में, इसके नहीं, fire escape।